हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत कुमार और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। हिंदी कहानियां एक ऐसी विद्या है जो जीवन को, परिस्थितियों को अपने में लेकर उलझी हुई समझ को सुलझा देती है। हिंदी कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती है, जिनसे हमें अपने कर्मों का बोध होता है। माना कि कहानियां काल्पनिक होती है, पर कल्पना परिस्थिति के द्वारा ही निर्मित होती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आप कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और कहानी को सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये कहानी एक राजकुमार और एक जादूगरनी की है। बहुत समय पहले की बात है, यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। विवाह के कई वर्षों उपरांत भी उनका कोई संतान नहीं हुआ। समय इसी प्रकार से गुजर रहा था कि अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको रेपेंजेल नामक साग खानी थी। आसपास वह साग कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप ही रहती थी। पत्नी के मन की बात जब पति ने सुनी तो पति ने उससे वादा किया कि वह उसके लिए रेपेंजेल नाम की वह साग साथ लेकर आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह साग अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे की मालकिन जादूगरनी ने, जिनका नाम डेम गोथेल था, उसे यह चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अंततः जादूगरनी एक शर्त पर वह साग उसकी पत्नी को देने के लिए राजी हो गई। शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद वह उसे जादूगरनी को सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी वह बात भी मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम उसी साग के नाम पर रेपेंजेल रखा। रेपेंजेल एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की जगह पर धीमे धीमे से फैलने लगी। कन्या के 12 वर्ष के होते ही जादूगरनी डेम गोथेल ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें ना तो कोई दरवाजा था और न चढ़ने के लिए ही कोई सीढ़ी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें की केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दिन के समय में जरूर जाती। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। वह बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उनके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने और जाने लगी। ऐसा करते वक्त वह रेपेंजेल को पुकारते हुए कहती, रेपेंजेल अपना बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। समय इसी तरह से गुजरता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया जहां पर रेपेंजेल उस मीनार में रहती थी। रेपेंजेल की आवाज में अद्वितीय मिठास थी। जब वह गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज कहां से आ रही है यह जानने के लिए जब राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मीठी आवाज को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। उसने मन में ठान ली कि वह इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी आवाज इतनी मधुर है के विषय में जान के ही रहेगा। एक दिन जब दिन के समय जादूगरनी रेपेंजेल से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते और बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रेपेंजेल को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रेपेंजेल से मिला। रेपेंजेल
और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था और वह एक दूसरे के लिए अंतरंग सहचर बन गए। अतः राजकुमार ने रेपेंजेल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रेपेंजेल इस पर सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीरे धीरे बढ़ने लगा। जादूगरनी डेम गोथेल रोज दिन के समय रेपेंजेल को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और रेपेंजेल ने मिलकर एक योजना बनाई। राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रेपेंजेल एक सीढ़ी बनाएगी जिससे कि वह दोनों उस जगह से भाग सके। रेपेंजेल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डेम गोथेल को राजकुमार के रेपेंजेल के पास आने और उसके गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी डेम गोथेल ने रेपेंजेल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच से जंगल में विचरने को अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रेपेंजेल के बालों को काट कर उन्हें मीनार से बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसे कोई शंका ना हो। जब राजकुमार रेपेंजेल से मिलने के लिए उस रात आया तो रेपेंजेल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा जिससे कि नीचे पड़े कांटों से उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा उसके हाथ में रेपेंजेल के कटे हुए बाल आ गए और रेपेंजेल की लंबी बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी डेम गोथेल उस मीनार में फंस गई और अंततः उसकी मृत्यु भी हो गई। अपनी आंखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर रेपेंजेल बस चुकी थी। उधर रेपेंजेल ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया जिनमें एक बेटी और एक बेटा हुआ। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के बिछोह में रहने के बाद अंततः दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके मिलन से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रेपेंजेल के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे। तो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। जिस तरह जादूगरनी गलत नीयत से रेपेंजेल को इतने साल कैद में रखती है, एक दिन उसे उसका दंड मिला और वह मारी गई। रेपेंजेल ने बचपन से उम्मीद लगाई हुई थी कि उसे एक दिन कोई उसे बचाने के लिए आएगा, उसकी खुशहाली भरी जिंदगी होगी। एक दिन उसके इस विश्वास को भगवान ने भी पूरा कर दिया।